आपने जो आ, आ, हमारी द्वारा जो प्लानिंग के बारे में आपने कहा कि आपकी क्या प्लानिंग है प्लान पे, हमने इको क्लब बनाया और हम चाहते हैं कि युवा यहाँ पर नेचर टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है देवलसारी में, और नेचर टूरिज्म का स्कोप होने के कारण हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर युवा कौशल विकास हेतु नेचर क्लब के द्वारा अपना एक कौशल विकास बनाएं, जिसका कहने का मतलब है कि तितली टूरिज्म यहाँ पे हो सकता है, पक्षी पर्यटन यहाँ पे हो सकता है। हमारे पास कई ट्रैक है और हमारी जो प्लानिंग है हमारी 10 गांव में है। हम भविष्य में 10 गांव के लिए काम करेंगे, जिसमें देवलसारी वन क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र में जिन 10 गांव का योगदान है इसको संरक्षण करने में, उनको जोड़ना चाहते हैं हम। वन पंचायत के माध्यम से इनको जोड़ना चाहते हैं हम, अपनी संस्था के माध्यम से इनको जोड़ना चाहते हैं, और वन विभाग के साथ हम 2-3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और हमारा और वन विभाग का अच्छा तालमेल है, उसका फ़ायदा जो है ग्रामीण ले सकते हैं। लेकिन यही प्रश्न है और इस प्रश्न को कई लोग उठाते हैं कि देवलसारी संरक्षण समिति सिर्फ अरुण की समिति है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन तमाम बुद्धिजीवी वर्गों को, आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन लेकिन आप ये भी तो देखिए कि मैं यहाँ पर यहीं का स्थानीय युवा हूँ, और मेरा मानना यह है कि इस पलायन को रोकने के लिए किसी न किसी को लीड लेनी होगी, और वो लीड मैंने ले रखी है, तो मैंने क्या गलत किया हुआ है। रही बात लोगों की जोड़ने की, तो मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जुड़े और युवा जुड़े, और उसके साथ साथ हमें थोड़ी बहुत निराशा भी है, लेकिन आशा के पुल भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ धीरे 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 युवा जुड़ रहा है, और धीरे 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 जब युवा जुड़ेगा तो पूर्णतः हम संरक्षण की ओर बढ़ेंगे, और संरक्षण से स्वरोजगार हमारा नारा है, और हम चाहते हैं कि हम लोगों को खाली बातों पे ही ना रखें, उनके साथ काम भी करें, और हम फील्ड में हम काम भी कर रहे हैं। अब आपने कहा कि पलायन में पर्यटन का क्या योगदान है, तो मैं कहना चाहूँगा कि देवलसारी में हमारे गाँव के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें हमारी संस्कृति है, हमारी वेशभूषा है, हमारा कल्चर है, हम उस कल्चर को अपनी ताकत बना सकते हैं, हम अपनी भाषा को ताकत बना सकते हैं, हम अपने खान पान को ताकत बना सकते हैं, हम त्यौहारों को अपनी ताकत बना सकते हैं। उसके लिए हमारी प्लानिंग यह है कि हम अगर हमारे साथ युवा आगे भविष्य में जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, अगर इसी प्रकार से जुड़ते जाएँ, तो हम युवाओं को इस प्रकार से रोज़गार देंगे कि युवा पढ़ाई बाहर करेगा और रोज़गार के लिए देवलसारी आएगा। हमारा यही विजन है, हम चाहते हैं देवलसारी संरक्षित हो, हम चाहते हैं प्रत्येक युवा का पलायन रुको, युवा रुकेगा तो पहाड़ रुकेगा, और पहाड़ रुकेगा तो मैदानी क्षेत्रों में जो बढ़ रही जनसंख्या है, जो बढ़ रहा प्रदूषण है, वो रुकेगा, और हमारी जो पहाड़ की जो सीमाएं हैं वो चीन और अन्य देशों से लगती हुई है, तो हमारे लिए एक खतरा, राष्ट्रीय खतरा भी है कि अगर पलायन रुकता होता है और पलायन में अंकुश नहीं लगता है, तो हमारी जो चीन, जो सटा हुआ चीन है, धीरे धीरे उसका लोग जिस प्रकार से जाते रहेंगे, घुसपैठ का भी उस प्रकार से प्रयास होता रहेगा, और हम यही चाहते हैं कि हमारी संस्था जो कार्य कर रही है उस कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध है, और हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारी अग्रिम जो प्लानिंग है, हम तितली पार्क को डेवलप करने जा रहे हैं, हम यहाँ के नेचर ट्रेलों को डेवलप करने जा रहे हैं, और साथ में हम पर्यटकों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। हम मसूरी में हमने बात किया, हम धनुल्टी बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दिन दिन के लिए मसूरी और धनुल्टी से पर्यटक आएँ और तितली पार्क में पूरे दिन घूमें, और उसके बाद वो वापस अपने गंतव्य को जाएं। धन्यवाद।